नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही भजनलाल शर्मा फुल एक्शन मोड में हैं और उन्होंने पहली ही बैठक में तीन बड़े फैसले लिए हैं। और तीन बड़े फैसले कौन कौन से हैं ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अब कौन कौन जेल जाते हैं। देखिए, सबसे जो पहला फैसला लिया गया है वो है पेपर लीक से संबंधित। ठीक है मित्रों, भ्रष्टाचार की जवाबदेही भी तय की जाएगी। पेपर लीक मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया जाएगा। वृहद स्तर पर पेपर लीक की घटना सामने आई है, इसमें प्रदेश के युवाओं को मनोबल टूटा है। हमने आज ही SIT का गठन की प्रक्रिया प्रारंभ की और आज मैं कहना चाहता हूं कि SIT का गठन होगा, जो खिलवाड़ करने वाले अपराधियों को सख्त सजा मिले, क्योंकि उन युवाओं का भविष्य अंधकार में जिन्होंने डालने का काम किया है, ये सरकार किसी कीमत पर उनको बख्शने वाली नहीं। भविष्य में कोई पेपर लीक की घटना ना हो ये सुनिश्चित किया जाए। जिन्होंने किया है उनको छोड़ा। बीजेपी ने चुनाव से पहले पेपर लीक को लेकर के अशोक गहलोत सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए थे और अब शुक्रवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही पेपर लीक के मामलों को लेकर के बड़ा फैसला लिया। अब राजस्थान में पेपर लीक के मामलों में SIT का गठन किया गया है और पेपर लीक मामलों में कौन कौन जेल जा सकता है और इसमें आगे क्या होगा ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। दूसरा जो बड़ा फैसला लिया है वो भी पहली ही बैठक में ले लिया है और ये है एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के गठन से संबंधित। इसके गठन का निर्णय लिया गया है और इसी तरह है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने पर योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करने का निर्णय लिया था। अब बात करते हैं तीसरे फैसले की। तीसरा फैसला केंद्र सरकार की योजनाओं से संबंधित है, यानी कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद भजनलाल शर्मा ने यह सुनिश्चित किया है कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ राज्य के अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचे, इसकी मॉनिटरिंग के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस तरह राजस्थान के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने तीन बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें पहला पेपर लीक से संबंधित, दूसरा कानून व्यवस्था और तीसरा केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर के फैसला लिया गया है। उनको छोड़ा नहीं, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की भी घोषणा करते हैं। संगठित अपराध उन्मूलन के लिए ADGP अधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष कार्यदल एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। प्रदेश के अंदर किसी भी तरह का अपराध नहीं होने दिया जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी भी तरह का अपराध होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जैसा मैंने कहा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय की योजना को लेकर के कल 16 दिसंबर को पूरे राजस्थान के अंदर विकसित भारत संकल्प यात्रा से जनता तक पहुंचेगी जनकल्याणकारी योजना है। मैं आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय को लेकर के जो उन्होंने पूरे देश के अंदर उन गरीब परिवारों को चिन्हित करने का भी काम किया है और उनको उन योजनाओं का लाभ देने का भी काम किया है। हम चाहते हैं कि कोई भी पात्र व्यक्ति इस योजनाओं से वंचित ना रहे। इसके लिए भी हमने एक प्रदेश के अंदर एक मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया है कि प्रतिदिन कितने पात्र लोगों को लाभ देने का काम किया है। ये काम सिर्फ पेपर पर नहीं होगा, ये काम जनता के बीच में जाकर के जो हमारा विकसित भारत संकल्प यात्रा है इसके माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन पर चलते हुए भारत विकासशील से विकसित देश बनने की ओर
तेजी से अग्रसर हो रहा है। यात्रा के तहत प्रदेश में सभी लाभार्थियों तक जन कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। सभी पात्र व्यक्तियों को योजनाओं से जोड़कर उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाकर उनके सशक्तिकरण का कार्य करेगी। यात्रा के द्वारा अब तक सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित सभी प्रदेशवासियों को लाभान्वित किया जाएगा। किसी भी प्रकार से अगर कोई पात्र व्यक्ति छूटता है तो इसकी जिम्मेदारी भी तय की जाएगी कि वो पात्र व्यक्ति किस कारण से छूटा गया। मैं आपके माध्यम से इतना निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार अंत्योदय गरीब कल्याण के लिए उस अंतिम पायदान पर बैठे उस व्यक्ति के लिए जिसको आवश्यकता है, उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए और उस पात्र व्यक्ति को उसका पूर्ण रूप से विकास की माननीय नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं का लाभ मिले, ये सुनिश्चितता हमारी सरकार करेगी। मैं आपको आज इतना ही, समय समय पर आगे और भी हमारे जो काम है उनके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। आपके माध्यम से मैं इतना ही, सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आपके माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानी जेपी नड्डा जी का, हमारे यशस्वी गृह मंत्री सम्माननीय अमित शाह जी का, हमारे रक्षा मंत्री सम्माननीय राजनाथ सिंह जी का, हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री सम्माननीय नितिन गडकरी जी का, सभी हमारे राजस्थान के हमारे तीनों केंद्रीय मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह जी, अर्जुन मेघवाल जी, कैलाश जी, हमारी प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा जी, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी और प्रदेशों से आए सभी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी जो हमारे इस शपथ ग्रहण समारोह में आए, सभी हमारे आगंतुकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मेरे परिवारी जन राजस्थान के सभी जो मेरे कार्यकर्ता हैं वो शपथ ग्रहण में शामिल हुए, उन सभी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आप सभी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने भी बहुत बड़ा सहयोग करके राजस्थान के एक एक जन जन के कार्यकर्ता और जनता, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में वो सभी पधारे, उसके लिए मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मित्रों, तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।